दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ और ये वैकेंसी आई हुई दोस्तों माइनिंग इंस्पेक्टर की। जी हाँ दोस्तों, माइनिंग इंस्पेक्टर की आपके लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, कहाँ से आई हुई है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से आई हुई है, यानी कि ये बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है आपके लिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? यदि आपने माइनिंग से डिप्लोमा किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है मैंने आपको बताया, यदि आपने माइनिंग से डिप्लोमा किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था। इस नोटिफिकेशन के तहत माइनिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसियाँ आई हुई है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आप इस फॉर्म को कब से लेके कब तक फिलअप कर सकेंगे। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को 20 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये वैकेंसी आई हुई है माइनिंग इंस्पेक्टर की, बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट है दोस्तों और यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी बहुत कम होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी सैलरी रहती है, बहुत ही अच्छी जॉब है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अपन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये आपका जो फॉर्म रहेगा इसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। MPPSC के आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। जो आपका एज का कैलकुलेशन होगा 1 जनवरी 2024 के अनुसार होगा, तो आप यहाँ पे भी इसे देख सकते हैं। और भी कई सारी इंफॉर्मेशन है जिसे अपन देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन को मैंने आपको बता दिया, यदि आपने जियोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया जो कि बहुत ज़रूरी था। अब दोस्तों बात करते हैं इसका पेपर कैसे होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, जो पेपर होगा किस बेस पर किया जाएगा दोस्तों, MPPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, जो कि भिन्न भिन्न शहरों पे होगा। ठीक है, तो और ये आप सभी लोग के मन पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पेपर किस बेस पे रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पेपर ऑफलाइन रहेगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र के बारे में बताया गया है, तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। आपका पेपर यहाँ पर ऑफलाइन रहेगा और यहाँ पर आपका जो सिलेबस वगैरह है ना, सब कुछ MPPSC ने यहाँ पर नोटिफिकेशन पर बताया है। तो दोस्तों यदि आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए, वहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी आई है ना, यहाँ पे टोटल कितने वैकेंसियाँ आई हुई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे कितने वैकेंसी आई हुई है, 19 वैकेंसी ओपन है। और यहाँ पर अप्लाई करना चाहते तो आप अप्लाई कर दीजिए दोस्तों, 19 पोस्ट है। यदि आप यहाँ पर अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं क्वालिफिकेशन को, तो मैंने बता दिया था, तो बस यहाँ पे सिर्फ इतना ही था दोस्तों। और यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई नहीं गई है और यहाँ पे मिनिमम एज बताई गई है 21 साल। ठीक है, और मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 साल तक की है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसे देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ पर जाकर दोस्तों इसका सिलेबस को भी देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप उसे भी रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।